अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद वान और आप देख रहे हैं ए सी टी वी हक सच की आवाज़ के साथ। आज दाता हजूर का उर्स मुबारक स्टार्ट होगा, यहां पे ज़ाहरीन है, इनसे बात करते हैं कि क्या खुशी का मुकाम है इनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है भाई जन का? नादर अली जनाब। अच्छा नादर भाई, क्या बोलेंगे आज इस खुशी के मौके पर? खुशी का समा जी अहलियाने लाहौर के लिए, हजूर फैज़ आलम के दीवानों के लिए ईद का समा है। आज हमारे उर्स है सरकार दाता का, कैसे ज़ाहरीन का रश है। ये एक ईद का ही समा है और अल्लाह के वलियों की सिर्फ रौनक है। उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि अल्लाह के वली जो है इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है, ये उनके लिए एक ज़िंदा पैगाम है कि सिर्फ अल्लाह के वली ज़ाहरी तौर पर ना भी हों लेकिन उनका साया, उनके अमाल, उनकी तालीमात आज भी ज़ाहरीन के अंदर बोल रही है। आप किस जगह से हैं? मैं शालामार बाग के पास रहा हूँ। तो जो हमारे जितने भी ज़ाहरीन आए हैं उनको खुशामदीद बोलने के लिए आए हैं और सलाम करने के लिए आए हैं आप? जी जी बिल्कुल, अलियाने लाहौर होने के नाते हम जितने भी बाहर से लोग आए हैं हम एज आ मेज़बान उनको खुशामदीद कहते हैं। हुज़ूर फैज़ आलम के उर्स पर आए हैं तो हम यही कहेंगे कि इंशाल्लाह अज़ीज़ जो जो भी अपने दिल में नेक और जिस जिस तमन्ना के साथ है हुज़ूर फैज़ आलम के सदक़े इंशाल्लाह सबकी पूरी होगी। आमीन। और सलाब ज़दगान के जो अल्लाह पाक जो है मदद फरमाए। आमीन आमीन जी, उसके भी हुज़ूर फैज़ आलम के सदक़े और जितने भी उनके ज़ायरीन हैं हम तो उनसे अपील भी करेंगे कि अगर आप यहाँ पर भी आए हैं तो औलिया कराम का भी यही दर्स है कि अल्लाह की खलकत से प्यार किया जाए, जितना भी हो सके बढ़ चढ़ कर सलाब ज़दगान के साथ मिलकर उनकी हिम्मत के साथ उनका साथ दिया जाए और इस मुश्किल घड़ी में उनको सपोर्ट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।